वेलकम टू द फ्यूचर ऑफ कंप्यूटिंग। आज हम हैंड्स ऑन डाइव करने जा रहे हैं हार्मोनी ओएसपीसी के साथ, एक गेम चेंजर जो रीडिफाइन कर रहा है कि एक पीसी क्या कर सकता है। हम जवाब देने जा रहे हैं पांच बर्निंग क्वेश्चंस के इस रेवोल्यूशनरी सिस्टम के बारे में, उसके जॉ ड्रॉपिंग इंटरफेस से लेकर एआई पावर्ड मैजिक तक। आप एक सेकेंड भी मिस नहीं करना चाहेंगे, तो अपना फेवरेट स्नैक ले, लाइक का बटन हिट करें और चलते हैं इस जर्नी पर। क्वेश्चन वन, इंटरफेस कैसा लगता है? सबसे पहले बात करते हैं इंटरफेस की, क्योंकि ये वो जगह है जहां हार्मनी ओएसपीसी एक सुपरनोवा से भी ज्यादा चमक रहा है। बूट एनिमेशन प्योर साईफाई ब्लिस है। सोचिए, पार्टिकल स्क्रीन पर डांस कर रहे हैं और हार्मनी ओएस का लोगो गैलेक्सी की तरह रियल टाइम में फॉर्म हो रहा है। ये सिर्फ एक स्टार्टअप नहीं बल्कि एक मोमेंट है। जब आप अंदर एंटर करते हैं, यूआई ऐसा लगता है जैसे मैक और विंडोज फैंस के लिए एक लव लेटर लिखा गया हो। दोनों वर्ल्ड्स का बेस्ट ब्लेंड है। आपके पास ऑप्शंस हैं, स्टेटस बार को ऊपर सेट कर लें मैक वाली वाइब के लिए, जो टाइम, वाईफाई और कंट्रोल सेंटर शो करता है क्विक ट्वीक्स के लिए, या फिर इसे नीचे राइट साइड पर स्लाइड कर दें विंडोज जैसा फील पाने के लिए। बॉटम डॉक बार आपका एप हब है। अपने फेवरेट टूल्स को प्रो की तरह पिन कर सकते हैं। लेफ्ट साइड पर आप एप शॉर्टकट्स या विजेट्स भी लगा सकते हैं थोड़ी सी एक्स्ट्रा फ्लेयर के लिए। एप्स क्लिक करना एक अजीब सा थेरेप्यूटिक फील देता है, जैसे डिजिटल बबल रैप पॉप कर रहे हो। एनिमेशंस बिल्कुल बटरी स्मूथ है। मैक्सिमाइजिंग, मिनिमाइजिंग या स्प्लिट स्क्रीन मोड में स्नैप करना बिल्कुल एफर्टलेस लगता है। जब आप किसी ऐप पर हॉवर करते हैं, एक सॉफ्ट ब्लर्ड हेलो इफेक्ट नजर आता है जो एक एलिगेंस का टच ऐड करता है। अगर आप मिनिमलिज्म पसंद करते हैं तो सेटिंग्स में जाकर फैंसी इफेक्ट्स को ऑफ भी कर सकते हैं। फाइल मैनेजर और सेटिंग्स। फाइल मैनेजर बिल्कुल विंडोज की तरह लगता है। लेफ्ट पर क्विक एक्सेस फोल्डर्स, राइट पर प्रीव्यूज और सेटिंग्स मेन्यू। ये हार्मनी ओएस फैमिली का सिग्नेचर स्टाइल स्क्रीम करता है। क्लीन लाइंस और इंट्यूटिव नेविगेशन के साथ कीबोर्ड फीचर्स और कीबोर्ड। इसमें एक सीलिया स्मार्ट बटन भी है जो एक टैप पर हार्मनी का एआई असिस्टेंट बुला लेता है। इसके बारे में बाद में बात करेंगे। राइट साइड पर एक सुपर प्राइवेसी बटन भी है। इसे ऑन करते ही बूम, आपका कैमरा, माइक और लोकेशन स्पेसशिप एयरलॉक की तरह लॉक हो जाता है। प्राइवेसी लवर्स, ये आपके लिए। बट हे, अगर आपको ये डीप डाइव पसंद आ रही है हार्मनी ओएसपीसी में, तो एक काम करें, अभी का अभी सब्सक्राइब बटन स्मैश कर दे। ये बिल्कुल फ्री है, चैनल की मदद होती है और आप कभी भी एक टेक एडवेंचर मिस नहीं करेंगे। चलो ये एक्सप्लोरेशन जारी रखते हैं। क्वेश्चन टू, क्या हार्मनी ओएसपीसी स्मूथ है? ये इतना स्मूथ है जैसे होवरबोर्ड चल रहा हो ग्लास रनवे पे। हम इसे स्ट्रेस टेस्ट किया, एप्स को बैक टू बैक लॉन्च किया, विंडोज को रीसाइज किया और ब्राउजर टैब्स को डिजिटल निंजा की तरह फ्लिप किया। एनिमेशन फ्लॉलेस। हर ट्रांजिशन ऐसा फील होता है जैसे किसी हॉलीवुड डायरेक्टर ने कोरियोग्राफ किया हो। आप इवन एनिमेशन को मिड फ्लो इंटरप्ट भी कर सकते हैं और सिस्टम एक सेकंड के लिए भी रुकता नहीं। हियर्स द किकर, मैंने 1 GB का फाइल WPS में ओपन किया और सिर्फ 1 सेकंड में लोड हो गया। ये सिर्फ फास्ट नहीं, ये टेलीपोर्टेशन लेवल फास्ट है। चाहे आप डॉक्यूमेंट्स एडिट कर रहे हो, ब्राउजिंग कर रहे हो या मल्टीटास्किंग, हार्मनी ओएसपीसी बिल्कुल एक ट्रस्टी साइडकिक की तरह आपके साथ रहता है। ग्राफिक्स इतने क्रिस्प और फ्लूइड है कि जब आप सिस्टम को पुश करते हैं अपनी लिमिट्स तक, तब भी सब कुछ सीमलेस रहता है। परफॉर्मेंस चेक करना, टास्क मैनेजर बिल्कुल विंडोज के प्लेबुक से लिया गया है जो आपको फुल कंट्रोल देता है कि क्या रन हो रहा है। और एक ऐप स्विचर भी है जो मैक के मिशन कंट्रोल की तरह स्लिक फील देता है, जिसमें आप टास्क के दरमियान ग्लाइड कर सकते हैं एक प्रो की तरह। ये सिस्टम इस तरह डिजाइन किया गया है कि आप अपने फ्लो में बने रहे। क्वेश्चन थ्री, क्या कॉमनली यूज्ड एप्स कंपैटिबल है? अब मिलियन डॉलर क्वेश्चन, एप्स का क्या सीन है? एक नया ओएस तभी सक्सेसफुल होता है जब उसका इकोसिस्टम स्ट्रांग हो, और विंडोज के पास करीबन 700,000 एप्स का आर्सेनल है। तो हार्मनी ओएस का क्या हाल है? बस ये समझ लें कि इसकी शुरुआत काफी स्टेलर हुई है। हार्मनी ओएस एप स्टोर में ऑलरेडी हंड्रेड्स ऑफ नेटिव एप्स अवेलेबल है और बड़े बड़े नाम भी यहाँ मौजूद है। WPS आपके ऑफिस नीड्स के लिए चेक, कैप कट वीडियो एडिटिंग के लिए चेक, QQ म्यूजिक डुइन, बिली बिली एंटरटेनमेंट के लिए सब यहाँ है प्रेजेंट।
एंड अकाउंटेड फॉर टू इन या बिलीबिली पर स्ट्रीमिंग क्रिस्टल क्लियर बिना किसी हिकअप्स के। ऐसा फील होता है जैसे आपके पीसी में एक मिनी थिएटर चल रहा हो। अब थोड़ी सी बैड न्यूज, वी चैट और क्यूक्यू अभी फुली कंपैटिबल नहीं है, लेकिन हार्मनी टीम इस पर काम कर रही है और अपडेट्स भी तेजी से रोल आउट हो रहे हैं। अगर आप थोड़ा पेशेंट रहे तो ये इकोसिस्टम सिर्फ बड़ा और बेहतर होता जाएगा। हार्मनी ओएस को एक रॉकेट शिप की तरह देखें जो अभी लॉन्च पैड से उठा है, विंडोज की अल्टीट्यूड तक नहीं पहुंचा, लेकिन तेजी से क्लाइम कर रहा है। ज्यादातर यूजर्स के लिए, खास तौर पर अगर आप मेन स्ट्रीम एप्स यूज करते हैं, तो आप बिल्कुल कवर्ड हैं। क्वेश्चन 4, क्या हार्मनी ओएस पीसी कन्वीनियंट है? ओह, ये सिर्फ कन्वीनियंट नहीं, ये बिल्कुल मैजिकल है। हार्मनी ओएस को एक बाउंडलेस एक्सपीरियंस के लिए डिजाइन किया गया है और ये दो किलर फीचर्स के साथ डिलीवर करता है। फर्स्ट, क्रॉस डिवाइस कोलैबोरेशन। याद है हुआवे का मल्टी स्क्रीन कोलैबोरेशन? ये यहाँ भी है और पहले से भी बेहतर। एक कीबोर्ड और माउस से आपका पीसी, फोन और टैबलेट कंट्रोल होता है, जैसे ये सब एक ही ब्रेन का हिस्सा हो। यहाँ इंटरेस्टिंग बात ये है, सिस्टम आपका फेस डायरेक्शन डिटेक्ट करता है ताकि कंट्रोल डिवाइसेस के दरमियान स्विच हो सके। अगर आप अपने टैबलेट की तरफ देखें तो कर्सर भी वही फॉलो करेगा। ऐसा लगता है जैसे ओएस आपके दिमाग को रीड कर रहा हो। कोई फोटो एडिट करने हैं, अपने फोन से स्नैप करें और कुछ ही सेकंड्स में वो पीसी पर मौजूद होती है। टास्क्स डिवाइसेस के दरमियान इतने सीमलेसली फ्लो करते हैं कि लगता है जैसे आप फिजिक्स के लॉज को बेंड कर रहे हैं। सेकंड फीचर, डीप एआई इंटीग्रेशन। सीलिया हार्मनी का एआई असिस्टेंट आपका पर्सनल टेक जीनी है। अगर आप कहें सीलिया माउस का कलर रेड कर दो, डार्क मोड ऑन कर दो और स्क्रीन रिकॉर्ड कर लो, तो फूफ सब कुछ हो जाता है। सीलिया सिर्फ सिंपल कमांड्स ही नहीं बल्कि डॉक्यूमेंट्स स्प्लिट करना, फॉर्मेट्स कन्वर्ट करना या कॉम्प्लेक्स टास्क्स भी एक कमांड से हैंडल कर सकती है। ये सिर्फ स्मार्ट नहीं, ये स्कैरी स्मार्ट है। क्वेश्चन 5, क्या ये वर्थ बाइंग है? आखिर का वो बड़ा सवाल, हार्मनी ओएस पीसी क्या आपके पैसों का वर्थ है? चलिए इसे ब्रेक डाउन करते हैं। ये सिर्फ 970 ग्राम का फेदर वेट चैंपियन है, पहले वाले फ्लैगशिप एक्स प्रो से भी हल्का। स्क्रीन बिल्कुल जॉ ड्रॉपिंग, 3.1 की रेजोल्यूशन के साथ 120 हर्ट्ज रिफ्रेश रेट और 30 निट्स का पीक ब्राइटनेस। ऐसा लगता है जैसे एक पोर्टल ऑफ प्योर क्लैरिटी में देख रहे हैं। बैटरी लाइफ एक सॉलिड 10.2 आवर्स की, तो आप पूरा दिन काम भी कर सकते हैं या फिर एंटरटेनमेंट भी एंजॉय कर सकते हैं। ज्यादातर यूजर्स के लिए सोचिए ऑफिस वर्क, ब्राउजिंग, लाइट वीडियो एडिटिंग या स्ट्रीमिंग। हार्मनी ओएस पीसी ऑलरेडी एक होम रन है। इसका इकोसिस्टम सारी बेसिक नीड्स कवर करता है और उसके एआई और क्रॉस डिवाइस फीचर्स एक खुशी का एहसास देते हैं। लेकिन अगर आप एक पावर यूजर हैं जो अडोबी प्रीमियर या ऑटोकैड जैसे नीश सॉफ्टवेयर यूज करते हैं, तो शायद आपको थोड़ा रुकना पड़े जब तक कि इकोसिस्टम फुली मैच्योर ना हो जाए। ये ऐसा है जैसे आप एक स्लीक न्यू स्पेसशिप और एक बैटल टेस्टेड स्टार क्रूजर में से चुन रहे हैं। दोनों अमेजिंग है, लेकिन ये डिपेंड करता है आपकी मिशन पर। और इसके साथ हमारा हार्मनी ओएस पीसी का हैंड्स ऑन खत्म होता है। उसके साइफाई इंटरफेस से लेकर उसके माइंड ब्लोइंग एआई तक, ये सिस्टम फ्यूचर का एक झलक है। अगर आपको ये डीप डाइव पसंद आई तो प्लीज सब्सक्राइब बटन हिट करें और नोटिफिकेशंस ऑन कर लें। आप नेक्स्ट वाले टेक एडवेंचर को मिस नहीं करना चाहेंगे। कमेंट्स में बताइए क्या आप हार्मनी ओएस पीसी ट्राई करने के लिए रेडी हैं या आप और ज्यादा एप्स का वेट कर रहे हैं। चलिए इस पर बात करते हैं। थैंक्स फॉर वॉचिंग और मिलते हैं नेक्स्ट टेक एडवेंचर में। पीस आउट। सब्सक्राइब करें द क्वांटम एज को और हमारे वाइब्रेंट कम्युनिटी का हिस्सा बने जो फॉरवर्ड थिंकर्स, चेंज मेकर्स और रेवोल्यूशनरीज से भरी हुई है।